यूट्यूब फैमिली गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल में साईं गब्बे ऑफिशियल में आप लोग को स्वागत है दोस्तों। और मेरी ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो गई है सुबह के लगभग 7:30 बजे। तो इधर ना मेरा झाड़ू लगने स्टार्ट हो गया है, और जो कि मैं ना अंदर का जो मतलब झाड़ू लगाना था अंदर रूम वगैरह वहीं लगा ली हूँ, और अभी बाहर आंगन में लगाने में लगी हुई हूँ। जो कि आज ना मुझे आंगन पूरी तरह से साफ़ करना है, और जैसे कि कई दिनों तक ना बाहर वाले आंगन में लकड़ी वगैरह और जो सेंटिंग का सामान था ना वो पूरी मतलब रखा था, तो उसके चलते ना मैं अच्छे से झाड़ू नहीं साफ़ सफाई नहीं कर पाती थी। तो आज ना हट गया है। तो सोच रही थी कि गमले को ना अच्छे से साइड में रखकर और पूरा साफ़ सुथरा कर दूँ, तो वही इधर अभी ना साफ़ सफाई करने में लगी हुई हूँ। और जितना मेरे से हो सकेगा, मतलब बहुत भारी भारी भी गमले हैं। और आजकल का मौसम ना मतलब कि मानो कि सुबह से ही हल्का धूप करेगा, इसके बाद ना बादल सा कर लेता है, तूफान आंधी तूफान चलना स्टार्ट हो जाता है। और हमारे साइड तो फिर पेड़ पौधे हैं, तो फिर जब हवा चलाता है ना तो एकदम से पूरे पत्ते वगैरह आंगन में एकदम से पूरे ना पड़ जाते हैं। तो वही इधर देखिए अभी पूरे ना मतलब गमले को साइड में रख रख के साफ़ करने में लगी हुई हूँ, जो कि ना मुझे एक भी अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, मतलब कि पूरी तरह से कचरा बीच बीच में फंसे हुए थे, तो उसी को निकाल रही थी। और जितना मैं इसे मतलब साइड में हो सकता है तो उसको साइड में रख कर साफ़ कर रही हूँ अभी। तो दोस्तों इस समय पर ना मेरे दोनों बच्चे का तबीयत मतलब ठीक नहीं है, और उनकी ना दवाई भी चल रही है, बीच बीच में मतलब ठीक हो जाती है फिर से मतलब ख़राब हो जाती है। तो उसी के चलते ना मेरा ब्लॉग थोड़ा सा मतलब कभी कभी आता है कभी नहीं आता है। तो क्या है ना कि बच्चों लोग का भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और घर का काम काज जो भी है उसको भी ध्यान में रखना मतलब ज़रूरी है। तो साथ में मतलब ना हर एक चीज़ साथ साथ में नहीं चल सकता, कभी आगे पीछे हो जाता है। तो वही ना किसी किसी दिन मेरा गैप हो जाता है ब्लॉग ना आने का। तो ये ब्लॉग ना करीब नवरात्रि का एक दिन पहले का है, करीब से 8 तारीख का। तो क्या हुआ था कि बाबू का भी ऐसे मतलब तबीयत ख़राब हो गया था, तो मैं ना ब्लॉग एडिटिंग नहीं कर पाई थी। फिर घर पे काम भी डेली लगा ही रहता है, तो उसके चलते और भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो कभी कभी मैं रात में ही एडिटिंग जो भी मोबाइल का काम रहता है वो कर लेती हूँ, नहीं तो फिर दिन में ना नामुमकिन ही है, क्योंकि दिन में काम रहता है और फिर बच्चे भी ना कार्टून मतलब मोबाइल देखने के लिए परेशान करते हैं, मतलब बोलते हैं ये देखना है वो देखना है, और जब तक ना उसको कार्टून वगैरह ना दिखाओ तो फिर खाना भी नहीं खाता है ना ही दवाई पीता है, तो उसके चलते ना और भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी मैं मतलब बंद हो जाता है ब्लॉग ना आने का, लेकिन क्या करें। तो दोस्तों इधर अभी ना मैं जितना मेरे से हो सका उतना मतलब मैं साइड में कर दी हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भारी है तो साइड में नहीं हो पाता था, और उसके बीचों से मिट्टी कचरा वगैरह निकाल ली हूँ। तो कचरे को ना साइड में कर दूँगी, और जो मिट्टी बचा है ना उसको एक गमले में ही डाल दूँगी, क्योंकि ये गमले का ही मिट्टी गिरा हुआ था, और जो गमले मतलब रखते समय टूट गए हैं, कहना कि धूप में जैसे रखो ना तो फिर जो प्लास्टिक होता है वो ना एकदम से मतलब ख़राब हो जाता है, तो टूट गए थे ना, तो उसी के चलते पूरा मिट्टी ना गमले का गिर गया था। तो उसी को अभी मिट्टी को मैं उठा के दूसरे गमले में मतलब रख दूँगी, ताकि मतलब फेंका ना जा सके। और जो भी ये पत्ते वगैरह है ना कट्टे वगैरह, तो उसको ना मैं क्या ना जला दूँगी, नहीं तो फिर से उड़ के ना हवा चलाएगा तो वापस हमारी यहीं वापस आ जाता है। तो सोच रही थी कि इसको ना मिट्टी को इस पर डाल देती हूँ, और जो भी कचरे हैं उसको चला दूँगी। तो ये सुबह सुबह का ही मेरा मतलब काम स्टार्ट हुआ था, और सभी हाउस वाइफ का सुबह से ही झाड़ू पोछा बर्तन घर का काम में मतलब उठ के लग जाती हूँ, बस वही मैं इधर अब मैं भी लगी हुई हूँ। और मौसम भी इस टाइम पर ना थोड़ा ख़राब चल रहा है, किसी दिन मतलब आंधी तूफान पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है, और किसी दिन मतलब मानो कि धूप ही नहीं निकलता है। तो फिलहाल अभी सुबह से ना धूप तो किया हुआ था, और मैं सोच रही थी मतलब लिपाई पुताई करने के लिए, क्योंकि नवरात्रि भी शुरू हो गई है मतलब। तो देखिए इधर ना पूरे मतलब आंगन में ही फैला था लकड़ी सेंटिंग का जो भी लकड़ी रहता है ना मलगा, तो वो पूरी तरह से ना फैला हुआ था, तो इधर ना झाड़ू लगाते नहीं बनता था। और जब घर पे काम लगा रहता है ना तो मतलब घर पे काम रहते ही है,
तो पूरा सामान एकदम से ना फैला ही रहता था, इधर भी ऐसे था। तो आज नया क्या किए कि मतलब छत ऊपर सेंटिंग वगैरह मतलब ठुक रही थी, तो पूरे अंदर मतलब सब लकड़ी ना लेके चले गए थे। तो मैं सोच रही थी कि इधर अच्छे से साफ सफाई कर दूँ, तो वही इधर अभी मैं ना आंगन में साफ सफाई करने में इधर लगी हुई हूँ। और जो ऊपर साइड हम लोग ना तार बांधे हुए थे ना कपड़ा डालने के लिए, उसको भी निकाल दिया गया था क्योंकि ये लकड़ी में फंस रहा था, तो उसको निकाल दिए थे। तो हम लोग ना कहीं और मतलब कपड़े वगैरह डालते हैं, और अंदर भी लकड़ी तार नहीं लगा हुआ था, लकड़ी मतलब उधर भी सेंटिंग अंदर वाले आंगन में ठुका हुआ था ना, तो उसको भी मतलब आज निकाल देंगे। दोस्तों मैं ना मतलब घर का साफ सफाई हो चुका था, बचा था बर्तन साफ करना, खाना बनाना। तो ये ना एक दिन पहले ही शाम टाइम नल आया था, तो मैं ना कपड़े वगैरह धुल के रख दी थी कि सुबह डाल दूंगी तो सूख जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी तार मतलब निकला हुआ है, तो फिर उधर ना कहाँ डाले। अभी फिलहाल घर बन रहा है, तो हम लोग ना यहाँ चाची के यहाँ डालने आए हुए थे मतलब मैं, तो वही इधर ना कपड़े बाबू का एक दो दिन पहले का था, तो उसी को ना धुली हुई थी, तो वही इधर अभी डाल रही हूँ। उसका तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं डेली नहलाती भी नहीं हूँ, और जब बच्चे का तबीयत ठीक ना रहे तो फिर उनको नहलाना भी नहीं चाहिए, बस गर्म पानी से हाथ मुँह धुला देना चाहिए। तो वही इधर ना मैं अभी कपड़े डालने में लगी हुई हूँ, और बच्चे लोग ना मतलब खेल रहे थे, और चाची भी इधर ना मतलब लिपाई पुताई करने में लगी हुई थी कि नवरात्रि शुरू हो गई है, तो क्यों ना हम लोग भी साफ सफाई कर ले। तो मेरा क्या है ना कि अब आंगन में पूरी तरह से मतलब सब कुछ फैला हुआ था, घर पे काम लगा, तो फिर ना मैं लिपाई पुताई नहीं की थी, और दुकान जो छोटा सा दुकान है ना उस पर मतलब की हुई थी। लेकिन मैं ना ब्लॉगिंग एक भी नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि बच्चों का फिर तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं जल्दी जल्दी ना काम मतलब ख़त्म करने में लगी हुई थी कि जल्दी से ये ख़त्म हो जाए, ये वाला काम ख़त्म हो जाए, तो फिर बच्चों लोग का नहलाऊँ धुलाऊँ कपड़ा वगैरह धुलूँ, फिर मैं भी नहाऊँ धो। तो वही ना मैं लिपाई पुताई मतलब कर ली थी, और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने में लगी हुई थी, और इधर कपड़े अभी मैं डाल रही थी। और इसके बाद ना देखिए अभी मैं ना बर्तन साफ़ करने में लगी हुई, क्योंकि मुझे ना खाना भी बनाना है, और ये रात का बर्तन था तो मैं सुबह से नहीं धुल पाई थी, क्योंकि साफ़ सफाई करने में लगी हुई थी, जो साफ़ सफाई कर रही थी तो फिर ज़्यादा टाइम लग गया था, करीब से एक घंटे लग ही गए थे। तो वही इधर अभी मैं बर्तन साफ़ करने में लगी हुई, अभी मुझे खाना भी बनाना है, और बच्चे को दवाई भी देना है कुछ खिलाने के बाद। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा।
लाओ जल्दी, इसको चबा लो। Thank you.